वाले समाज सेवी आंदोलन समाज अखबार के आदरणीय एडिटर श्री निरंजन रथ जी, इस कार्यक्रम की होस्ट आईआईटी भुवनेश्वर की डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीपाद करमालकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभव युवा साथीगण, मीडिया के साथीगण, भाई और बहनों, मैं आप सभी को महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस भूमि में राजस्थान से आए हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है। युवा संगम फरवरी से शुरू होके अप्रैल के अंत तक पहला फेज हो गया। लगभग 1000 से ज्यादा युवा विद्यार्थी और 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी मेंबर जो कार्यक्रम को विभिन्न इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइज किए, ऐसे 25 टोली में, और इस बार 10 ग्रुप युवा संगम 2.0 में प्रवास करके लौट चुका है। 5 ग्रुप प्रवास में है, जैसे हमारे राजस्थान की युवा साथी यहाँ है। अभी हम देख रहे थे उत्तराखंड की एक टोली, पहाड़ की टोली तेलंगाना में घूम रहा है, एक टोली लद्दाख और हिमाचल की, वो पश्चिम तट की राज्य गोवा पहुंचा है। ऐसे वहां की 2 युवा साथियों का भी हम अनुभव आज सुने, यह हम 4 युवा मित्रों का अनुभव सुने। और मैं, मेरे मन में था कि मैं 1.0 में आ नहीं पाया कहीं आप लोगों से मिलने के लिए, और हमारी जो अधिकारी रोहिणी जी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सुरेंद्र जी उसकी सहायता कर रहे हैं, उनको मैंने कहा था अगर मेरे को कहीं आप बुलाओगे तो मैं आने चाहूँगा, और मेरे लिए और बहुत सुखद संयोग जुटा मेरे राज्य में, मेरे गृह राज्य में आज आप सब आए हो, मैं आपके बीच में आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे को बहुत आनंदित करती है। मित्रों, बहुत कुछ कहना नहीं, थोड़ा बहुत और संगीत और नाटक देखना और सुनना भी है, उसमें भारत की श्रेष्ठता और एकता। लेकिन मैं एक बात जो दोनों हमारी आज अतिथियों ने हमारे सामने कहा, और जो 6 मित्रों विशेष करके यहाँ जो उपस्थित 4 हमारी युवा साथी अपना अनुभव कहा, उसी का मैं एक समरी सिर्फ आपके सामने रखना चाहूंगा। निरंजन रथ जी आपके सामने बैठे हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है। 20वीं सदी में 20th सेंचुरी की उड़ीसा की जो श्रेष्ठत्व मिला हमको, मित्र, राजा सिर्फ श्रेष्ठत्व नहीं देता, अगर राजपद श्रेष्ठत्व देता तो पृथ्वीराज चौहान लड़ाई ना करते, वो समझौता करते। अगर राजत्व महत्व देता तो जिसकी बारे में अभी हरप्रसाद जी ने कहा, पुरी की मंदिर जिन्होंने बनाया महाराजा इंद्रद्युम्न ने, उनको जब महाप्रभु संतोष होके मांगे कि इंद्रद्युम्न तुम कुछ बर मांगो हमसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, इतना आपने भव्य मंदिर बनाया, हजारों साल पहले इस भव्यता के साथ आज की मंदिर है, आज का मंदिर हजारों साल पहले हो गया है, उसकी पहले हजारों हजारों साल पहले वो मंदिर बना होगा। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि प्रभु मेरे को निसंतान कर दो, मेरे वंश नाश कर दो, आगे चल के कोई ना कहे कि भाई
ये मंदिर मेरे बाप दादाओं ने बनाया था, यह मंदिर हमारा है, ये भारतीय परंपरा है, यह भारत की श्रेष्ठता है। और निरंजन रथ जी उस श्रेष्ठता की द्योतक है। पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जी ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अगर विदेश में इतना चीज होता ना, अभी तक को ब्रेकिंग न्यूज आ जाता, सोआ ऑडिटोरियम में शायद कुछ हो गया, बाकी सोआ वाले जाने अभी उन्होंने क्या किया। विद्रो पंडित उत्कलमणि जी ने अपने बेटे को, वो बीमार था बच्चा, बुखार था, लेकिन तब बाढ़ आई थी उस इलाका में, वो निकल गए बाढ़ की राहत काम पे। हमारी देश की श्रेष्ठता इसी में है, मैं मेरे में नहीं बसता हूं, मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं और तुम भगवान हो। इसके बारे में हरप्रसाद जी ने हमको अपने कवि सुलभ ढंग से समझाया और मैं उनके साथ सहमत हूं। चलो, उनको इतने उम्र में ईर्ष्या होता तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इतना नहीं होता है, और आप तो सौभाग्यशाली हो, थोड़ा होता है मेरे को उनके साथ जैसे, क्योंकि भारत की जो श्रेष्ठता है, यही सब चीज भारत की श्रेष्ठता है। आप जो राजस्थान से आए हो, आप लोगों ने पूरी तो गए थे ना, सब बताया ना आपने, पूरी गया था, वहां छेनापोड़ो खाए कि नहीं खाया? कोणार्क गए थे, रास्ते में आते हुए झिल्ली खाया निमापड़ा में? नहीं खाया? तो कर्मा का जा झिल्ली खिलाई उनको आज, पखड़ो खाया? खाया खाया पखड़ो? नहीं खाया पखड़ो? इन्होंने दाल बाटी खा के आ गया, देखो इन्होंने दाल बाटी खाया, आपने अभी तक पखाल नहीं खाया, खाना पड़ेगा कभी। मित्रों, एक शब्द मैं कभी एक विज्ञापन में देखता हूं, इनक्रेडिबल, भारत की पर्यटन के बारे में वर्णन करते करते कहा जाता है इनक्रेडिबल इंडिया। मैं कभी कभी उसको समय थोड़ा कम, मैंने कम बुद्धिमान विद्यार्थी हूं, तो अब मैं उसमें इनक्रेडिबिलिटी क्या है। लेकिन मित्रों, आज जो मैंने अनुभव सुना ना, उस अनुभव इनक्रेडिबल है, उसी के नाम इनक्रेडिबिलिटी है। असीम, अकल्पनीय, भारत में इतने चीज पड़े हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं, यूरोप के इतिहास पढ़ता हूं, यूरोप मेरे हम लोगों की जिंदगी में, दास जी के समय में थोड़ा और कुछ अनुभव हुआ होगा उनको विद्यार्थी रहते हुए, हमारी रहते हुए यूरोप का एक नया रूप आया, ईयू, फिर ब्रेक्सिट भी हुआ, ईयू भी बना, ब्रेक्सिट भी हुआ, पूरा हमारी उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है पूरा यूरोप में उतनी आबादी है, हमारी उत्तर प्रदेश में जितना है, बिहार छोड़ दीजिए, उत्तराखंड छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की इलाका पॉपुलेशन और यूरोप की पॉपुलेशन एक है, लेकिन उत्तर प्रदेश हमारा अभी भी टिका है, पूरा भारत को लेके चल रहा है, और यूरोप हर एक 15 साल में एक बार जोड़ता है तोड़ता है, जोड़ता है तोड़ता है।